अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी खुचे आलू। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए, ये देखें, छोटे छोटे आलू हैं 6 अदद, कुटी लाल मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून, नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून जी। ये देखें, मैंने आपको दिखाने के लिए ये 2 आलू रख लिए थे, ये मैंने खुरच के पानी के अंदर रखे हैं ताकि वो काले ना हों। अभी आपके सामने मैं ये तैयार करती हूँ। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आपके सामने मैं अभी बनाऊंगी, आप देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या करेंगे ये देखें, इसका हम ऊपर से कैप उतारेंगे, ढक्कन ऐसे देखें, इस तरह करके कुलियाई में आपने इसका कैप उतार लेना है, ये देखें इस तरह। फिर जो अंदर से आलू होगा इसको हम उतार लेंगे, जिस आलू का होगा ढक्कन उसी के ऊपर लगाइएगा और कोई ढक्कन सेट नहीं होगा, ये देखें इसका है तो इसी को सेट होगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने ये देखें ऐसे करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अंदर से हम खुरचेंगे, ये देखें इस तरह मैं सुराख करती जाऊंगी, मैं आपके सामने करती हूँ अभी। ये मैंने कुछ करके रखे हुए हैं, ये देखें, ये देखें इस तरह से, ये देखें आप देखेंगे, ये देखें फिंगर पूरी जा सकती है, ये देखें इसके अंदर मैंने इसको खुरच के खाली कर लिया, अब दूसरे को भी कर लेंगे। ये इसका कैप है, इसके साथ ही रखेंगे, दूसरे को भी मैं इसी तरह कर लूँगी। आलू को धो अच्छी तरह साफ करके धो के रख लिया मैंने, तो इसको आलू हमने छोटा ही लेना है क्योंकि बड़ा आलू नहीं ले सकते, वो पकेगा नहीं। ये देखें आलू मैंने खुरच लिया, ये देखें इसकी कैप इसके साथ रखेंगे। आपने आलू छोटा ही लेना है और इसके ऊपर छिलका रखना है, छिलका छीलना नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो अंदर से मैंने इसका खुरचा हुआ आलू निकाला है, इसको दोरी में डाल के पानी से निकाल के अच्छी तरह पानी स्ट्रेन करके, तो दोरी में डाल के मैं आपके सामने अभी इसका गूदा बना दूंगी जी। ये देखें मैंने दोरी में डाल दिया, जी ये देखें इस तरह हम इसको इसका बारीक पेस्ट बना लेंगे आलू की, जो इसके अंदर से हमने खुरच के निकाला है जी। ये देखें मैंने इसको पेस्ट बना लिया आलू का, जो गूदा हमने निकाला था आलू का, तो इसको पेस्ट बन गया। अब इसका फ्राई करते हैं, तैयार करते हैं इसको जी। ये देखें पैन में रखूंगी ऊपर, ऑयल डालेंगे इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून, हमारा ऑयल थोड़ा गर्म होता है तो इसके अंदर ये हम आलू डालते हैं जो मैंने आपके सामने पेस्ट बनाई है। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर हम डालेंगे इसके अंदर मिर्चें और नमक, नमक 1 टीस्पून है, हम थोड़ा थोड़ा कम डाल देंगे, जरूरत पड़े तो चेक करके और डाल देंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा हम सबर धनिया भी डाल देंगे,
जी ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब क्या करना है, हमने नमक आप चेक कर सकते हैं कम हो तो और डाल लें। जी आलू को पकड़ेंगे, कैप उतारेंगे, ये जो हमने मसाला बनाया इसी का इसके अंदर भरेंगे। इसके साथ कैप रख देंगे हम। अब दूसरा पकड़ेंगे आलू, इसी तरह मैं सारे भर लेती हूँ। जी ये देखिए मसाला हमने भर लिया इसके अंदर। टूथपिक पकड़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दबा के इसको दबा देंगे ताकि इसका ढक्कन इसके साथ से हिले नहीं। ठीक है, ये देखिए इस तरह। सारे लगा लेते हैं इसी तरह। देखिए मेरे आलू बन चुके हैं इस तरह। ऊपर मैंने ये देखिए टूथपिक लगा दिया ढक्कन के ऊपर ताकि इसका हिले नहीं। इसको ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, उसके अंदर रखते हैं जा। जी ये देखिए इस तरह ऑयल के अंदर हम रखते हैं। और इसको ढाँप देंगे ऊपर से, हल्की सी आंच पे हम रखेंगे इसको। और ढाँप देंगे, एक साइड इसकी ज़रा गोल्डन होती है, फिर साइड चेंज करेंगे। ये आलू की हम साइड चेंज करेंगे। साइड हमने चेंज कर दी है, हम फिर ढाँप के रख देंगे इसको। जी ये देखें आलू हमारे तैयार हो चुके हैं। जब इसके अंदर देखें ऐसे सुरी जाने लगे, इस तरह ये तैयार हो चुके हैं। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। जी ये देखें मेरे खुरचे आलू तैयार हो चुके हैं। अभी मैं आपके सामने कटिंग करके दिखाती हूँ। जी ये देखें इस तरह इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इस तरह। मैं दूसरे भी काट के रख लेती हूँ। ये देखें मेरे मज़ेदार खुरचे आलू तैयार हो चुके हैं। ये देखें इस तरह आपने बना के कटिंग करके खा के देखना है। ये बहुत ही मज़े का है, केचप के साथ खाएं, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ खाएं, और चाय बना के खाएं, पार्टीज़ में बनाएं, बच्चों को लंच में बना के दें, बहुत मज़े के हैं। यकीन करें बड़े मज़ेदार हैं। ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा है और बड़ा मज़े का है। इस तरह बना के खाएं, अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।